नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बात सुने, हुब्बुल वतनी का जज्बा अपनी जगह। मैं भी बहुत पैट्रियोटिक हूँ, आई लव माई पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, एफर्ट्स की, मैं उन सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, खासतौर पर पाक अफवाज से। लेकिन सर हमें एक पहलू पे गौर करना होगा। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया, किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। देखिए फिजा, आपने बेड़ा मुझे पूछ लिया, हम क्या लड़े हैं? जो पसंदीदा लड़े सर, हकाई के बगैर हम क्या लड़े हैं? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ? बनिया क्या होता है? एक बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है, हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के जरिए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इकोनॉमी के कौन नरेंद्र मोदी साबित हुआ ये बता दें अब तक? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ उसने कि हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है। और बड़ी अफसोसनाक बात, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सफारतखाना क्या होता है, वहाँ डिफेंस अटैच ही होता है, वहाँ कल्चरल अटैच ही होता है, वहाँ ट्रेड अटैच ही होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारतखाने में ट्रेड अटैच ही को होती है। जिसने जाके बताना है, देखें मैं ये खुद देख चुका हूँ, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर, ये कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए ना, यही तो अब यही तो बात है। मैं यही तो कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान जो है, मुझे बजहर ऐसे लगता है कि वो और उनकी टीम जो है इसी तरह की तब्दीलियां, आप देख खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आप एक स्टेट खारजा पॉलिसी में आपको जो आपकी जो ग्राउंड जिस पे आपने खेल रहे हैं वो सफारत खाना है, उसको आप इतना फाल बनाएंगे कि वो आपके कल्चर को प्रमोट कर सके, वो आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके, वो आपके जो डिफेंस मामलात हैं उसको जो है ना एक बतौर अस्करी मायर के वो उसको। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।